क्या यशराज फैमिली में शामिल हो चुकी हैं रानी मुखर्जी? क्या यशराज फैमिली को अब रानी मुखर्जी को पब्लिकली अपना फैमिली मेंबर बताने में नहीं है कोई हिचक? वेल, ऐसा हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि रिसेंटली उदय चोपड़ा के न्यू वेंचर यो कॉमिक्स के लॉन्च पर पहुंचा हर शख्स पूछ रहा है। दरअसल उदय के इस वेंचर के लॉन्च के दौरान एक स्पेशल एबी दिखाया गया, जिसमें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी उदय की तारीफ कर रही थी। वेल, अब आप सोच रहे होंगे इसमें इतना अनयूजुअल क्या है? तो जनाब, इस एबी में रानी को छोड़कर और कोई एक्ट्रेस नहीं थी। केवल रानी को ये मौका दिया गया कि वो अपने फैमिली मेंबर उदय के बारे में बात करें। वेल, इस एवी में रानी जिस तरह से उदय को लेकर बात कर रही थी, उससे उनका फैमिली कंसर्न साफ पता चल रहा था। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रानी मुखर्जी और यशराज फैमिली के साथ साथ होने की खबरें आई हैं। हाल ही में रानी मुखर्जी और यश चोपड़ा की फैमिली को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जब ये किसी फॉरेन लोकेशन से छुट्टियां मनाकर लौटे थे। और उस वक्त भी यश चोपड़ा फैमिली ने मीडिया में न्यूज आने के बावजूद कोई बात नहीं की थी। और कुछ दिनों पहले भी रानी और आदित्य चोपड़ा के लंदन ट्रिप की खबरें आई थी। वेल, इन सारी डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि यश चोपड़ा फैमिली ने अब रानी मुखर्जी को एज अ फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये बस वक्त की बात है कि कब ये फैमिली रानी को अपनी बहू के तौर पर घर लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। हाय, दिस इज ओमर कुरैशी। लाइक जूम टीवी ऑन फेसबुक एंड गेट द लेटेस्ट स्पाइसी अपडेट्स फ्रॉम बॉलीवुड।